नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कैसे भी गठजोड़ की राजनीति विपक्ष कर लें, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और 217 से भी अधिक सीटें जीतेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बात अगर की जाए तो कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिसमें गठजोड़ की भी राजनीति शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर के इस विधानसभा चुनाव में दम भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो ये गठजोड़ की राजनीति चल रही है उसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, हम तो अपनी बात कहते हैं। ये किसी प्रकार का कैसा भी गठबंधन विपक्ष कर ले, 2017 की पुनरावृत्ति होनी तय है। 2017 से भी ज़्यादा मजबूत सरकार बनाएंगे हम। 51% की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है और विपक्ष के पास जिस तरह का तमाशा विपक्ष कर रहा है वो वहीं तक उनका तमाशा सीमित रहने वाला है। अभी मऊ के अंदर क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने प्रायोजित किया एक रैली जिसमें माफियाओं का पैसा लगा, माफियाओं के संसाधन लगे, और कल ओम प्रकाश राजभर, जिनका नाम हमने असलम राजभर रख दिया है, ये चले गए बादा जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने, रैली का हिसाब किताब देने। कभी पिछड़ों की बात करते थे, आज माफियाओं की राजनीति की दलाली कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के राजनीति के दलाल बन गए। ऐसे लोग कभी समाज का भला कर सकते हैं? मंत्री जी, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी हर छोटे राजनीतिक दल को साथ लेकर के चलने की बात कर रही है। अब शिवपाल यादव की जो पार्टी है प्रसपा, उसको भी साथ लेकर के चलने की बात हो रही है, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? भाई देखिए, ये उनकी अपना, उन लोगों का सिस्टम, उन लोगों से हम लोगों से क्या लेना देना है। हम लोग तो बस एक बात जानते हैं, जो सिद्धांत श्रद्धेय अमित शाह जी ने दिया, 51% के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहो। ये पूरा विपक्ष एक होकर लड़ेगा तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। अभी पिछले बार क्या हुआ, 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, देश में कहा गया कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन है, उसका हश्र क्या हुआ। तो आगे भी हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसलिए कि जनता हमारे साथ है, जनता का भरोसा पूज्य मोदी जी के साथ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की जेल में मुख्तार अंसारी से मुलाकात को लेकर के चर्चा हो रही है। सपा के साथ उनका गठबंधन के बाद अब मुख्तार अंसारी से मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। क्या है आखिरकार इसके सियासी मायने, इसे लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता रवि कुमार ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है। सुभाषपा प्रमुख ने मऊ में एक बड़ी रैली की जिसमें अखिलेश यादव खुद मौजूद थे, जो कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अभी मुख्तार अंसारी से माला जेलमर मिल के आए हैं। उसके बाद लगातार चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। सर, उसको मुख्तार अंसारी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, ये नई कोई मुलाकात नहीं है हमारी। जब मैं मिनिस्टर था तब भी मिला जाके, रोपण मिलता था, बाधा में थे तो बाधा मिलता था। इधर सरकार ने मिलने से पाबंदी लगा दी थी तो मुलाकात लंबे समय से नहीं हो पा रही थी। इधर सरकार ने हफ्ते में दो लोगों से मिलने की अनुमति दी तो उनका मैसेज आया कि भैया मुलाकात हो जाए, बहुत दिन हो गया और इस हफ्ते आपकी और मुलाकात हमारी हो जाए। तो फिर हमने कहा कि कोई एक आदमी लगाइए साथ में, तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे को हम भेज देते हैं, उसी के साथ चले आइए। तो मैं और अब्बास दोनों लोग चले गए और मिल लिए। तो हम बराबर मिलते रहते हैं, हमारा उनका 2012 में मिल के, हमारी पार्टी उनकी पार्टी मिल के लड़े, हमारी पार्टी से चुनाव जीते वो, मतलब समझौते में अपनी पार्टी से जीते, हमारा समझौता था। और इसके बाद भी बीजेपी जानती थी कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी को चुनाव जीतवाए हैं, गठबंधन था, इनका बहुत संबंध है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमसे समझौता किया,
और जब इनसे समझौता कर लिया भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी को जितवा दिए। हमारा कैंडिडेट 89,000 वोट पाता है, प्रधानमंत्री बेचारे जाके खूब भाषण दिए गरम गरम, लेकिन भाजपा ही सब भाग गए गरमा के, एको नहीं टिके। 24 टिकट मांग रहे थे, 22 मिला, दरी बिछा के मुख्तार अंसारी को जितवा रहे थे। कुसुम महेंद्र राजभर को नहीं भूल गए सब, हमको जा बेटा तुम लोग अगर महेंद्र को हरवा रहे हो तो फिर ओम प्रकाश राजभर तेरी सरकार जा रही है। अब उसी दिन हमने कहा कि जाओ तुम लोग, 22 में तुमको बताएंगे आने दो चुनाव। कुछ समय पहले सिमतुल्ला अंसारी हैं जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, वो सपा में ज्वाइन किए थे, अब क्या मुख्तार अंसारी जब 22 में चुनाव होगा तो क्या किसके साथ होंगे, क्या उनका सहयोग करेंगे? देखिए वो उस व्यक्ति के पास उतनी हैसियत है, जनता में उसकी इतनी पकड़ है, लोगों में, लोगों के दिल में वो बसता है। जेल में रह करके वो 5 बार से MLA लगातार है, कहीं ना कहीं जनता से लगाव है। तन आदमी जेल में हो कैसे जीत जा रहा है, तो वो जीतने की हैसियत खुद रखता है, तो हमारा या हमारे गठबंधन का उसको क्या जरूरत है, वो जीत जाएगा, देख लीजिएगा ना। हमारी चाहत, हमारी सोच, हमेशा हम मुख्तार अंसारी के साथ रहते हैं, मिलते हैं और बराबर मिलते रहेंगे। ऐसा थोड़ा है कि आज बीजेपी में थे, मंत्री थे तब भी मिले, नहीं है तब भी मिले, आगे भी मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको है। जो मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी से आपकी, क्या कुछ बात हुई है ऐसी, अगर आप कुछ बताना चाहें? नहीं, वो जो उन्होंने जो उनके ऊपर बीती थी वो उन्होंने चर्चा किया, फिर राजनीति की भाई नेता नेता बैठता तो चर्चा राजनीति की होती है, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा गठबंधन आपने किया है, अब उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी और आप भी मेहनत करो, और हम समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे मिलेंगे तो उनसे भी कहूँगा कि आप भी मेहनत करो और सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना लो। आपने एक मऊ में बड़ी रैली की थी, आपके हरदोई में रैली होने वाली है, उसके अलावा और क्या कुछ अभी कार्यक्रम है आपके? देखिए 14 तारीख को बस्ती में कार्यक्रम है, इसी 14 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम होगा, मऊ से अगर 20 नहीं होगा तो 19 भी नहीं होगा, 17 को कुशीनगर में करूंगा, वो भी कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होगा, फिर 27 तारीख को हरदोई लखनऊ मंडल में आऊंगा, लखनऊ मंडल में खाली 3 जिला को जुटाऊंगा, जेके कोई नहीं पूछा ला ओके ओम प्रकाश राजभर पूछियन, अरकबंसी, आरा, खंगार, बंजारा, नाई, गोंड, लोहार, प्रजापति, पाल, बीन, निषाद, आप देखिएगा 5 लाख जुटेगा, यही रैली भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट में डाल देगी, कम से कम 150 विधायक छोड़ के भाग जाइए सब, जाके कोनो अखिलेश से मिलिए तो कोनो प्रकाश से मिलिए का तो कोनो जो कैसे कैसे मिलिए कि कोनो तरह से जान बचे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया गया था और कई सारे और लोग ओवैसी थे उसमें, उसके अलावा और भी लोग शामिल थे, लेकिन मऊ में यही कयास लगाया जा रहा था कि शायद और लोग भी शामिल रहेंगे, लेकिन आपके साथ कुछ नेता और थे, लेकिन अभी भी कुछ नेता रह गए थे, क्या उनको लेकर कुछ चर्चा हुई, क्या वो लोग भी 22 में साथ रहेंगे? देखिए हम उत्तर प्रदेश में शुरू से हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा में आवें, और 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि हम 5 लड़ें 10 लड़ें, 100 लड़के हार जाओगे और यहाँ 10 लड़के 10 जीत जाओगे तो वो बढ़िया है कि ये बढ़िया है, अब विचार उन लोगों को करना है। अब उन लोगों का नहीं, हम जो है एकदम अब 100 सीट उनको 100 सीट ओम प्रकाश को, तो अखिलेश के सीट पर लड़िया 3 पर, इना ज्ञान है ना नहीं के, तो कम से कम सोच रखनी चाहिए कि भाई एक 4-4 बार की मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी हम उसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, तो हमारी जो हैसियत है हम अपने हैसियत से ही सीट की बात करें, तो उन लोगों से भी कहूंगा कि बात कर लो यार, बात करके जो भी सीट फीट मिले हम लेके अपना साथ में आके लड़ो, और नहीं बीजेपी को जिताना चाहते हो तो जाओ जो अपना लड़ो, हम क्या करें। यानी सीटों को लेकर भी बातचीत नहीं बनी, नहीं तो वो लोग साथ हैं? बातचीत चल रही है, चला रहे हैं लोग दहने बाएं से, बन गई तो बन गई, नहीं बन गई तो भाई अब हम क्या करेंगे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, साफ तौर पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, साफ तौर पर अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनसे की व्यक्तिगत मुलाकात थी, उसको लेकर उन्होंने बात कही। हरिओम के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं गोरखपुर का वनटांगिया गांव जो कभी सभी सुविधाओं से महरूम था, लेकिन जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तब से यहाँ की दिवाली विशेष होने लगी। सीएम योगी दिवाली के मौके पर वनटांगिया गांव के लोगों को सौगात देते हैं और हर साल योगी आदित्यनाथ इनके बीच आकर के दीपावली मनाते हैं, बच्चों को मिठाई और पटाखे देते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी वो इस गांव में हर दीपावली को आते थे। माना जाता है कि वनटांगिया
अहिल्या का रूप है और सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान राम के, और शायद यही वजह है कि वनटांगिया अपने भगवान श्री राम को लेकर के पलके बिछाकर उनका इंतजार करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। और फिर एक बार वनटांगिया के लोग अपने भगवान श्री राम का इंतज़ार कर रहे हैं और इसको लेकर पूरी तैयारी वनटांगिया में की गई है। और उनका मानना है कि जब बाबा आते हैं, दीप जलाते हैं, तभी हम दीप जलाते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो हम दीपावली नहीं मनाएंगे। इस तरह का भाव वनटांगिया के लोगों के बीच में रहता है और शायद यही वजह है कि सांसद थे तब भी और आज प्रदेश के मुखिया हैं तब भी योगी आदित्यनाथ हर दीपावली के दिन वनटांगियाओं के बीच पहुंचते हैं, बच्चों के अंदर मिठाई बांटते हैं और दीपावली मनाते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो चलिए इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।